नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल की, पार्ट्स ऑफ ए होल इसका टाइटल है। तो ये एडिटोरियल आप अंत तक देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आए उसको नोट करते चलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया आपने। बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लें। शेयर करिएगा सेशन को अधिक से अधिक ताकि और लोग भी न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीख सके, क्योंकि एकदम सही तरीका है इंग्लिश सीखने का। जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका है, रूल्स रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और इंग्लिश में जो एक्सपेक्टेड लेवल है आपका वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा द हिंदू एडिटोरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एक। वैसे हमारी ऐप आशीष क्लासेस को डाउनलोड कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें से एक तो आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पर आपको 2 मिलेंगे। तो वो आप बाई कर सकते हैं उस कोर्स को। आज उसका लास्ट डेट है, हर वेंसडे को बैच स्टार्ट होता है, तो आज वेंसडे है, आज उसका लास्ट डेट है, आप उसको बाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वेंसडे का नया बैच स्टार्ट होगा, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसका PDF आप प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी वोकैबुलरी, जो भी देखो ग्रीन या हाइलाइटेड वर्ड्स है ना, इनका क्या मीनिंग है, ये सब कुछ आपको पार्ट ऑफ स्पीच सहित दे रखा है। आपको ये प्रोवाइड करवा दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो पार्ट्स ऑफ ए होल का मतलब क्या, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, होल का मतलब संपूर्ण है, और कोई बड़ी चीज़ है, कोई संपूर्ण चीज़ है, कोई कंप्लीट फॉर्म में है, उसके पार्ट्स, उसका हिस्सा, उसके अंश। पूरी बात क्या है वो पूरा एडिटोरियल पढ़ने पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबर, एक्सोडस का मतलब क्या है, एक्सोडस का एंटोनिम होता है इन्फ्लक्स, ये आप नोट करिएगा। एक्सोडस का एंटोनिम होता है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब सामूहिक आगमन होता है, ग्रुप में अगर अराइवल है, ग्रुप में कोई आ रहा है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स, और ग्रुप में कोई जा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोडस। तो एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबर, माइग्रेंट लेबर का मतलब है जो पलायन करके मजदूर, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे राज्य का मजदूर हमारे यहाँ आके मजदूरी करता है तो उसको आप माइग्रेंट लेबर कहेंगे। वो अपने अब चूंकि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते वो अपने होम टाउन लौट चुका है, तो ये एक्सोडस हुआ है उनका, ग्रुप में डिपार्ट कर चुके हैं लोग फ्रॉम सिटीज, शहरों से। इज एन इनॉर्मस ह्यूमन क्राइसिस, ये इज किसको देखकर है, ये इस एक्सोडस को देखकर। एक्सोडस हुआ सब्जेक्ट, तो ये हुई वर्ब। ये एक बहुत बड़ा, इनॉर्मस का मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा। इनॉर्मस वैसे एडजेक्टिव है, क्योंकि OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ह्यूमन क्राइसिस एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। तो ये कह रहा है माइग्रेंट लेबर का जो एक्सोडस है सिटीज से, शहरों से जो पलायन करने वाले मजदूर हैं उनका सामूहिक प्रस्थान है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, वेरी बिग और ग्रेट को बोलते हैं इनॉर्मस ह्यूमन क्राइसिस है। क्राइसिस का संकट होता है, एक मानवीय संकट है, एंड एन इम्पेंडिंग इकोनॉमिक वन। और ये साथ साथ में मानवीय संकट तो है ही, लेकिन आगे इकोनॉमिक संकट भी है। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, और वन इसलिए ले रखा है क्राइसिस के लिए, इसने क्राइसिस को रिपीट नहीं किया, तो इसे क्राइसिस के स्थान में वन लगा दिया, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। इम्पेंडिंग भी एक एडजेक्टिव होता है, जैसे कि नॉर्मस एडजेक्टिव था, इम्पेंडिंग का मतलब है अबाउट टू हैपन, जो घटित होने ही वाला है, जो नज़दीक है, तो एक ये इकोनॉमिक संकट भी है जो काफ़ी नज़दीक है। आगे देखिए, इन अ वेलकम मूव ऑन संडे, तो संडे को एक वेलकम मूव के दौरान, वेलकम मूव का मतलब स्वागत योग्य कदम, वेलकम हो गया यहाँ पे, वेलकम मूव का स्वागत योग्य कदम। तो एक स्वागत योग्य कदम में संडे को, डेज के नाम से पहले ऑन लगाते हैं तो ऑन है, द सेंटर रिमूव्ड द रेस्ट्रिक्शन, केंद्र सरकार ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया, प्रतिबंधों को हटाया। रिमूव्ड का मतलब हटाना, ये सेकेंड फॉर्म हो गई, रेस्ट्रिक्शंस का प्रतिबंध। इट यहाँ पे सेंट्रल के लिए दे रखा है, जो केंद्र सरकार ने हैड इम्पोज्ड, वो प्रतिबंध जो लगाए थे। अब इम्पोज का मतलब थोपना होता है, इम्पोज का मतलब थोपना, और इम्पोज से बनता है एक वर्ड इम्पोजिशन, ये नाउन बनती है, इसका मतलब थोपने का प्रोसेस। ये भी काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा वर्ड इम्पोजिशन, इम्पोज करने का प्रोसेस होता है। और आपने किस पर थोपे हैं प्रतिबंध, उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑन है। तो जो प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगाए थे, सेंटर ने लगाए थे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर, गुड्स के ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन पर, अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ बोथ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल गुड्स अक्रॉस द कंट्री। और इस प्रकार से ये प्रतिबंध हटाकर क्या कर दिया है, प्रतिबंध को रिमूव कर क्या कर दिया है, अलाउिंग, अलाउ कर दिया है द मूवमेंट ऑफ बोथ, बोथ का मतलब दोनों, बोथ के साथ में कंजंक्शन एंड लगता है, जिसमें दोनों, इसेंशियल मतलब आवश्यक, नॉन इसेंशियल मतलब जो अनावश्यक है, इसेंशियल का मतलब सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, जो आवश्यक सामान है, गुड्स का मतलब सामान, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश भर में उसका मूवमेंट अलाउ कर दिया है, कि इस आवश्यक और अनावश्यक सामान का मूवमेंट यहाँ पे अलाउ कर दिया है सेंटर ने। तो ये कह रहा है संडे को एक स्वागत योग्य कदम उठाया गया सेंटर के द्वारा, क्या किया कि रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पे उसको हटा दिया गया है, और दोनों ही चीज़ों को, इसेंशियल नॉन इसेंशियल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को या मूवमेंट को यहाँ पे अलाउ कर दिया है पूरे देश भर में। एज सम नॉन इसेंशियल आइटम्स आर की इंग्रेडिएंट्स, की का मतलब होता है मुख्य, जब की एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका मतलब मुख्य होता है। तो एज सम नॉन इसेंशियल आइटम्स, ये कह रहा है चूंकि
सम नॉन एसेंशियल आइटम्स, कुछ जो अनावश्यक सामान होते हैं, आर की इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी होती है, कंटेंट्स एक प्रकार से कह सकते हो, वो मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स। किसके इंग्रेडिएंट्स है, कुछ आवश्यक सामान के प्रोडक्शन में, कुछ आपको एसेंशियल गुड्स प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, उसको बनाने के लिए नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड सर्टन आइटम्स डीम्ड नॉन एसेंशियल, और काफ़ी सारे, देखो सर्टन के लिए बता दूँ आपको बात, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछते हैं, अगर असर्टन लगा हुआ रहता है तो नाउन इसके साथ लगती है सिंगुलर, अगर सर्टेन ही होता है, ए नहीं लगा होता है, तो नाउन लगती है प्लूरल, याद रखिएगा। तो सर्टेन यहाँ पे दे रखा है, इस कारण से नाउन प्लूरल लगेगी, तो आइटम्स दे रखा है। डीम्ड का मतलब कंसीडर्ड, जो सोचा गया है, जिसके बारे में माना गया है। तो काफ़ी सारे आइटम्स हैं जिनको नॉन एसेंशियल मानते हैं, मे वेल बी एसेंशियल फॉर सम, मे मतलब हो सकते हैं, वेल अच्छे तरीके से, बी एसेंशियल मतलब आवश्यक हो सकते हैं, फॉर सम कुछ के लिए। Ensuring an uninterrupted supply was of critical importance. Ensuring मतलब सुनिश्चित करते हुए, an uninterrupted supply, supply यहाँ पे noun है, uninterrupted यहाँ पे adjective है, और वैसे भी देखिए article जब लगता है इसका मतलब noun तो उस sentence में कहीं ना कहीं है, बस noun कहाँ है ये आपको search करना होता है। तो noun देखिए कितने शब्द इसके बाद में है, तो दो शब्द हैं, एक uninterrupted, एक supply है, होने को तो आगे was भी है, of भी है, critical भी है, importance भी है, लेकिन आपको ये जो series है वो ध्यान रखनी है, adverb, adjective और नाउन, ये तीन की सीरीज बनती हैं, ठीक है। अब चूंकि वॉज तो वर्ब आ गई, तो ये सीरीज तो ब्रेक हो गई यहाँ पे, तो हम यहीं तक के काउंट करेंगे, तो इंटरप्टेड पहला शब्द हो गया और सप्लाई दूसरा शब्द हो गया। तो पहला शब्द जो नज़दीक है आर्टिकल के, वो एडजेक्टिव कहलाएगा और दूसरा शब्द नाउन कहलाएगा। अगर तीन होते तो पहला शब्द एडवर्ब कहलाता, दूसरा एडजेक्टिव होता, तीसरा नाउन होता। इंश्योरिंग का सुनिश्चित करना होता है, इंश्योर के अलावा एक वर्ड होता है इंश्योर, ये बीमा करना होता है, इंश्योर से इंश्योरेंस बनता है। और एक अश्योर होता है, अश्योर का आश्वस्त करना होता है, किसी को विश्वास दिलाना होता है। और काफ़ी सारे आइटम्स डीम्ड नॉन एसेंशियल, जिनको मानते हैं नॉन एसेंशियल में, वेल बी एसेंशियल फॉर सम, वो हो सकते हैं कि कुछ के लिए एसेंशियल हो। एंश्योरिंग एन अनइंटरप्टेड सप्लाई वॉज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, तो ये जो सुनिश्चित किया है, अनइंटरप्टेड सप्लाई इसकी हो, बिना रुके इसकी सप्लाई आपूर्ति हो, वो मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस का था। क्रिटिकल का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये स्टेप है। रिपीट कर देता हूँ, अब ये कह रहा है, यहाँ से हम बात करेंगे कहाँ तक की, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस तक की, कि कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो एसेंशियल सामान के प्रोडक्शन में इंग्रेडिएंट्स की भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और कुछ ऐसे आइटम्स जिनको नॉन एसेंशियल मानते हैं वो एसेंशियल भी हो सकते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं कि ये इन अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है इसकी इंश्योर करना, है ना, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का विषय है। फिर कह रहा है, बट दिस स्टेप अलोन मे नॉट बी एनफ टू एंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री। लेकिन, बट का मतलब लेकिन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जो बातें आपने ऊपर की है उसका विरोध यहाँ पे जताया जाएगा, उसकी बिल्कुल विपरीत फीचर नजर आएगी। बट दिस स्टेप, लेकिन ये जो कदम है, अलोन मतलब अकेला कदम, अकेला यही कदम कि सरकार ने रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए हैं, ये एकमात्र कदम जो है, मे हो सकता है कि ये नहीं एनफ हो, मे नॉट बी एनफ, एनफ का मतलब पर्याप्त, कि ये अकेला कदम पर्याप्त ना हो, टू एंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री, कि अक्रॉस द कंट्री पूरे देश भर में, स्मूथ फ्लो मतलब बहुत ही आसान तरीके से, फ्लो का मतलब वैसे बहना होता है, लेकिन यहाँ पे गुड्स का फ्लो का मतलब है कि गुड्स आराम से मूव कर जाएगा, गुड इधर से उधर चला जाएगा। तो केवल प्रतिबंध हटाना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्मूथ फ्लो हो जाएगा इसका, बहुत आसानी से सामान इधर से उधर चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये एकमात्र स्टेप है प्रतिबंध हटाने का, हो सकता है कि ये पर्याप्त ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, कि पूरे देश भर में गुड्स का स्मूथ फ्लो सुनिश्चित करने के लिए, हो सकता है एकमात्र कदम जो है ये पर्याप्त ना हो। द मैसिव, मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। तो ये जो मैसिव एक्सोडस है, बहुत बड़े संख्या में जो लोगों का प्रस्थान हुआ है, ऑफ कैजुअल वेज लेबर, अभी किसका एक्सोडस है, ये है कैजुअल वेज लेबर का। कैजुअल का मतलब अस्थाई, मान लीजिए टेम्प्ररी जो वेज लेबर हैं, जो श्रमिक हैं। अब दय लग रखा है, क्यों लग रखा है, देखिए इसका बहुत सिंपल सा कारण होता है कि आप जहाँ भी दय लग रखा है वहाँ जनरली एक प्रश्न पुट कर सकते हैं कि कौन सा है, क्या है, किसकी बात कर रहे हैं। अगर इसका आंसर निकल कर आता है, इट मीन्स द गिवन नाउन शुड बी डीम्ड एज डेफिनेट नाउन, और अगर डेफिनेट है तो उससे पहले आप दय लगा देंगे। तो बहुत बड़े संख्या में जो प्रस्थान हुआ है कैजुअल वेज लेबर का फ्रॉम द मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस का मतलब होता है महानगर, कहाँ से प्रस्थान, महानगर से, दैट इज़ बीइंग विटनेस्ड, जिसको वो महानगर, जिसको मतलब बीइंग विटनेस्ड, मतलब जिसको विटनेस किया जा रहा है ना, ये इज बीइंग विटनेस्ड, पैसिव वॉइस दे रखा है, इज के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीइंग के साथ तो वैसे भी वर्ब की एक ही फॉर्म रिक्वायर्ड होती है, थर्ड फॉर्म, और कुछ ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, बीइंग के साथ वर्ब जोड़नी हो तो सीधा थर्ड फॉर्म लगेगी अगर वर्ब की आवश्यकता हो। तो महानगर से
अब दिल्ली से मान लीजिए, जनरली हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली से महानगर से जो बहुत बड़े संख्या में जो प्रस्थान हुआ है कैजुअल वेज लेबर का, दैट इज़ बीइंग विटनेस्ड अक्रॉस द कंट्री, जो कि पूरे देश भर में यहाँ पे विटनेस किया जा रहा है, जिसका मतलब सामना, जिसको देखा जा रहा है, जिसको विटनेस किया जा रहा है, जिसका मतलब सामने देखा जा रहा है पूरे देश भर में, इज़ नाउ बिगिनिंग टू लीड टू लेबर शॉर्टेज। अब इससे क्या होगा, ये जो एक्सोडस हुआ है ये हो गया सब्जेक्ट, ये अब धीरे धीरे क्या is now going beginning to lead, lead के साथ टू है, lead टू को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं result in से, lead के साथ टू लगता है, result में in लगता है, दोनों का मतलब ही है परिणाम होना। अब इस ये शुरुआत कर रहा है कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, लेबर शॉर्टेज, कि मजदूरों की कमी पड़ेगी, नॉट ओनली द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ना केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, परिवहन क्षेत्र में, बट अक्रॉस द सप्लाई चेन, वैसे तो बट ऑल्सो लगना चाहिए था, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, ये एरर वाला प्रश्न हो गया है। अगर यहाँ पे ये की ये लाइन अगर आपको दे रखी होती कॉमन एरर वाले किसी भी क्विज में, तो आपको यहाँ पे एरर करनी होती, क्योंकि नॉट ओनली में बट ऑल्सो आता है, केवल बट से काम नहीं चलेगा, अक्रॉस द सप्लाई चेन। तो ये जो चीज़ है लेबर शॉर्टेज है, वो ना केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है, बल्कि अक्रॉस द सप्लाई चेन, पूरी सप्लाई चेन में है, जिस जिसके माध्यम से आप सप्लाई करते हैं सामान की, उस पूरी चेन में ये कमी नज़र आएगी। ठीक है, ये कमी होनी शुरू हो गई है इस चीज़ से, किस चीज़ से, बहुत बड़े स्तर पर जो एक्सोडस हुआ है उससे। दीज लेबर शॉर्टेजेज, ये जो श्रमिकों की कमी है, विल लीड टू, फिर देखो लीड टू अलग गया, लीड टू का परिणाम निकलना, डिसरप्शंस का मतलब होता है व्यवधान, परेशानियां, संकट, नॉट ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स, ये जो लेबर शॉर्टेजेज हैं, ये जो कमियां हैं मजदूरों की, विल लीड टू डिसरप्शन, इससे क्या होगा, इसका परिणाम निकलेगा डिसरप्शंस, व्यवधान आएगा, परेशानी आएगी, किस में, ना केवल एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्शन में, बट इन द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल आइटम्स एज वेल, बल्कि किस में, सप्लाई ऑफ एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम्स एज वेल, ना केवल एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्शन में, बल्कि जो भी आवश्यक या अनावश्यक आइटम्स हैं उनकी सप्लाई में भी यहाँ परेशानी आने वाली है, डिसरप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो लेबर शॉर्टेजेस है उससे क्या होगा, ना केवल एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन प्रभावित होगा कि आप सामान उत्पादित नहीं कर पा रहे, केवल ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, एक चीज़ और क्या देखने को मिलेगी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई भी प्रभावित होगी, गिवन द सिचुएशन, गिवन यहाँ पे प्रेपोजिशन फॉर्म में है, और गिवन जब प्रेपोजिशन फॉर्म में है तो इसका मतलब कंसिडरिंग कर सकते हो, इसको देखते हुए कह सकते हो, इसको समझते हुए कर सकते हो, तो गिवन द सिचुएशन, इस स्थिति को देखते हुए, इट इज़ कंसीवेबल, कंसीवेबल जो शब्द है इसका मतलब क्या है, पॉसिबल टू बिलीव कह सकते हो, पॉसिबल टू इमेजिन कह सकते हो, तो ये समझ में आने योग्य है, तो इट इज़ कंसीवेबल, ये यहाँ पे विश्वास करने योग्य है, दैट द सिचुएशन इज़ अनलाइकली टू रिटर्न टू नॉर्मल, कि जो सिचुएशन है वो अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब होता है असंभव होना, तो सिचुएशन असंभव है कि ये नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ लौट जाएगी इमीडिएटली, तुरंत ही, इवन वैन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, उस समय भी जब लॉकडाउन यहाँ पे हट जाएगा, लॉकडाउन को लिफ्ट कर, लिफ्ट और उठाना होता है, जब लॉकडाउन हट भी जाएगा तो तुरंत स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, इतने संभावना नहीं है। तो ये कह रहा है कि इस स्थिति को देखते हुए, इट इज़ कंसीवेबल दैट द सिचुएशन इज़ अनलाइकली टू रिटर्न टू नॉर्मल इमीडिएटली इवन वैन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, तो ये चीज़ विश्वास करने योग्य है, ये इमेजिन करने योग्य है कि जो सिचुएशन है वो अभी भी नॉर्मल होने का मतलब संभावना नहीं है, तुरंत नॉर्मल नहीं होगी, चाहे लॉकडाउन हटा भी दिया जाए तब भी नहीं होगी, इवन वैन का मतलब चाहे ऐसा भी हो जाए। दूसरा पैरा देखिए, ट्रक ड्राइवर्स हैव रिपोर्टेडली फ्लैड टू देयर विलेजेस, देखो फ्लैड जो यहाँ पे है वो फ्ली की सेकंड फॉर्म है, फ्ली फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर फ्लैड, फ्लैड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। एक बात आपको याद रखनी है कि फ्ली के बराबर किसको रख सकते हैं, फ्ली इज इक्वल टू आप रख सकते हैं रन अवे को, ठीक है, फ्ली बराबर होता रन अवे, फ्ली के साथ में अवे नहीं लगता है, यहाँ से ये समझ जाइएगा आप, फ्ली का मतलब भाग जाना है, फ्ली प्लस अवे सुपर फ्लूस हो जाएगा कि इसका मतलब ही रन अवे है, तो अवे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ है, तो फिर अवे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो तथाकथित रूप से, रिपोर्टेडली मतलब ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसा सुना गया है, तो ट्रक ड्राइवर्स वो अपने गाँव भाग चुके हैं, फॉलोइंग द सीलिंग ऑफ इंटरस्टेट बॉर्डर्स। अब भागने के बाद इसलिए की क्योंकि फॉलोइंग का मतलब इसके बाद, इसके परिणाम स्वरूप, परिणाम किसके परिणाम स्वरूप, सीलिंग ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर, जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उसको सील कर देने के बाद में यहाँ पे अपने अपने गांव चले गए हैं, विद सम लीविंग बिहाइंड व्हीकल्स लोडेड विद गुड्स अलोंग द हाईवे। अब कुछ यहाँ पे है लीविंग बिहाइंड मतलब छोड़ गए अपने पीछे व्हीकल्स को, लोडेड विद गुड्स, वो व्हीकल्स जो कि लदे हुए थे सामान से, अलोंग द हाईवे का मतलब हाईवे के किनारे, हाईवे के सहारे सहारे, अलोंग का मतलब पैरेलल कोई चीज़ सहारे सहारे चलती है उसको अलोंग बोलते हैं, तो हाईवे के सहारे किनारे ही ये छोड़कर चले गए अपने ट्रक्स को, अपने सामान लदे हुए व्हीकल्स को। देयर आर रिपोर्ट्स, तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होने पर इन्वर्जन हम लगाते हैं, तो इन्वर्जन का मतलब पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे पहले आर है उसके बाद में रिपोर्ट्स है, तो देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। तो ये कह रहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं
किसकी रिपोर्ट्स हैं? ऑफ ए बिल्डिंग शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, कि बिल्डिंग की कमी है एग्रीकल्चर लेबर के लिए। एग्रीकल्चर लेबर मतलब जो कृषि में मजदूरी का काम करते हैं ना, उनके लिए बिल्डिंग की उनको ठहरा दिया जाए, तो ऐसी मतलब बिल्डिंग नहीं है आपके पास, बिल्डिंग शॉर्टेज है इनके लिए। इन पंजाब एंड हरियाणा वेयर इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट वीट, पंजाब और हरियाणा में, जहाँ अवेयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा, रिलेटिव एडवर्ब कह दीजिए इसको, इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट वीट, हार्वेस्ट का मतलब कटाई करना होता फसलों की, अब समय है क्या गेहूं की कटाई करने का। एंड इन तेलंगाना विच इज़ सिटिंग ऑन ए बम्पर पैडी क्रॉप, पैडी का मतलब धान की खेती को बोलते हैं, धान की फसल को बोलते हैं। तेलंगाना जो कि वहाँ पर बहुत बम्पर स्तर पे पैडी क्रॉप यहाँ पे लगी हुई है, धान की फसलें लगी हुई है, उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम है। फार्मर्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड लेबर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो इन दोनों तीनों राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में, तेलंगाना में, फार्मर्स जो हैं, किसान हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। किस चीज़ का संघर्ष है उनका? कि उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। फॉर पंजाब एंड हरियाणा द लॉकडाउन हैज़ ऑल्सो मेंट दैट हार्वेस्टिंग मशीन्स आर स्टक इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश वेयर हार्वेस्टिंग हैपन्स अर्लियर। पंजाब और हरियाणा के लिए जो लॉकडाउन हैज़ ऑल्सो मेंट, तो ये कह रहा है पंजाब और हरियाणा के लॉकडाउन का मतलब क्या था? लॉकडाउन का मतलब ये भी है कि जो हार्वेस्टिंग मशीन्स है, जो फसलों की कटाई करने वाली मशीन है, वो फंसी हुई है, स्टक, यहाँ पे स्टिक की थर्ड फॉर्म है क्योंकि आर स्टक है, तो मतलब फंसी हुई है, पैसिव वॉइस से बनाया गया है, वो वहाँ पे अटकी हुई है। कहाँ पर? गुजरात और मध्य प्रदेश में। गुजरात और मध्य प्रदेश में क्यों अटकी हुई है? क्योंकि वहाँ पर हार्वेस्टिंग जो है पहले होती है, वहाँ फसलों की कटाई पहले शुरू हो जाती है पंजाब और हरियाणा से पहले, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा के लिए लॉकडाउन है, इसका मतलब ये भी है कि मशीन जो है हार्वेस्टिंग की, वो गुजरात और मध्य प्रदेश में फंसी हुई है, जहाँ पे हार्वेस्टिंग पंजाब और हरियाणा से पहले स्टार्ट हो जाती है। दिस कुड पोटेंशियली कोज डिसरप्शंस, अब ये पोटेंशियली मतलब संभावित रूप से, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो ये संभावित रूप से डिसरप्शंस कोज कर सकता है, व्यवधान ला सकता है, परेशानियाँ खड़ी कर सकता है इन द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई में। डाउन द लाइन का मतलब इन फ्यूचर, बहुत ही अच्छी ये फ्रेज है, याद रखिएगा, डाउन द लाइन का मतलब होता है इन फ्यूचर। तो ये संभवतया डिसरप्शंस पैदा कर सकता है सप्लाई में एसेंशियल गुड्स की, डाउन द लाइन मतलब फ्यूचर में। फिर कह रहा है ऐड टू दिस, इसके अतिरिक्त क्या है? द फैक्ट दैट फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री ड्रो ऑन माइग्रेंट लेबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स। इससे ज़्यादा फैक्ट, अब देखिए इससे बड़ा चीज़ क्या है, या इससे मैं जोड़ दीजिए ऐड टू का मतलब, इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि जो फैक्ट्रीज़ है पूरे देश भर में, वहाँ पर मजदूर कहाँ से आते हैं? ड्रो ऑन का, ड्रो का मतलब खींचना होता है ना, तो एक्सेस करते हैं मजदूरों को, ड्रो ऑन का मतलब एक्सेस करना है, तो वो अपने माइग्रेंट लेबर जो है, जो मजदूर है, वो कहाँ से लाते हैं? उनके में मजदूर पूरे देश भर में, फैक्ट्रीज मजदूर कहाँ के हैं? यूपी के हैं, बिहार के हैं और कुछ अन्य पूर्वी राज्यों के हैं, ये चीज़ और ध्यान रखिए। फॉर देम गेटिंग द वर्क फोर्स बैक टू रीस्टार्ट प्रोडक्शन, अब इनके लिए फैक्ट्रीज़ के लिए, अभी फैक्ट्रीज के लिए दम दे रखा है, गेटिंग द वर्कफोर्स बैक, वर्कफोर्स को वापस लेकर आना, टू रीस्टार्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को फिर से स्टार्ट करने के लिए, आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, लॉकडाउन को हटाने के बाद, माइट बी डिफिकल्ट, वो मुश्किल हो सकता है, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, और मॉडल के साथ में बी लगता है, तो देख लीजिए मतलब वी जीरो लगता है, तो ये बेसिक बेस फॉर्म है बी, तो इसलिए बी है। तो ये कह रहा है उनके लिए मतलब फैक्ट्रीज के लिए, गेटिंग, गेटिंग यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बन रही है जेरेंड, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है, तो रीस्टार्ट करने के लिए प्रोडक्शन को वर्कफोर्स में वापस लाने के लिए उनको, ताकि प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट कर सकें लॉकडाउन को हटाने के बाद, वो मुश्किल हो सकता है। एक और पैरा इसका है, करंटली वर्तमान में द सेल ऑफ गुड्स इज लार्जली बींग फेड बाय ड्रॉइंग ऑन द प्री लॉकडाउन इन्वेंट्री। द सेल ऑफ गुड्स, जो सामान की बिक्री है, इज लार्जली बींग फेड, फेड जो है वो फीड की थर्ड फॉर्म है, अब ये पैसिव वॉइस है, वो सामान जो है कहाँ से आपूर्ति हो रही है, फीड का मतलब यहाँ पे आपूर्ति मान लीजिए, तो कहाँ से सामान बिक रहा है, सामान की बिक्री कहाँ से हो रही है, तो ये फीड किया जा रहा है बट ड्रॉइंग ऑन द प्री लॉकडाउन इन्वेंट्री, ड्रॉइंग ऑन फिर से आ गया, तो ये आ गया एक्सेस करके, बाई लग रहा है प्रेपोजिशन, इस कारण से आईएनजी है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगता है, तो आईएनजी फॉर्म में है। ऑन द प्री लॉकडाउन इन्वेंट्री, प्री लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले, इन्वेंट्री का मतलब आप स्टोरेज मान लीजिए, संग्रहण स्थल मान लीजिए, तो जहाँ पहले से भंडार थे, जो स्टोरेज था लॉकडाउन से पहले, उनको एक्सेस करके अब सामान की बिक्री वर्तमान में की जा रही है, उसकी आपूर्ति वहाँ से हो रही है। एज एंड व्हेन दिज स्टॉक रन आउट, रन आउट का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, है ना, कब, मतलब यदि एज एंड व्हेन, व्हेन का तो कब और एज अगर हो जाते हैं, तो यहाँ पे कब समाप्त होते हैं स्टॉक, या जैसे ही होते हैं, गिवन द कर्टेलमेंट ऑफ प्रोडक्शन, किसको देखते हुए, इसको देखते हुए समाप्त क्यों होंगे, क्योंकि इसको देखते हुए
गिवन का मतलब बताया था कंसिडरिंग, कर्टेलमेंट का मतलब काट छांट करना होता है, द प्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम्स विथ ट्रांसपोर्टेशन, एक तो प्रोडक्शन में कमी आ गई है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कारण कि मजदूर नहीं है तो प्रोडक्शन होगा कहाँ से, फिर प्रॉब्लम्स विथ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी है, अगर सामान है भी तो ट्रांसपोर्ट किससे करोगे, तो दिस विल रेस्ट्रिक्ट सप्लाई टू एंड टू द एंड कंज्यूमर, तो ये क्या है, इससे क्या होगा, ये सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देगा टू द एंड कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता तक सामान नहीं पहुंच पाएगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कब ये, जैसे ये स्टॉक जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन का कर्टेलमेंट हुआ है, काट छाँट हुई है, कमी हुई है प्रोडक्शन में, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, तो ये क्या है, एंड कंज्यूमर मतलब अंतिम उपभोक्ता तक, उपभोक्ता चूँकि बीच बिचौलिए होते हैं, लास्ट में उपभोक्ता होता है, इसलिए एंड कंज्यूमर कहा है, वहाँ तक सामान नहीं पहुँच पाएगा। दे आर ऑलरेडी रिपोर्ट्स, तो ये कह रहा है अभी पहले से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ गई हैं, देयर से स्टार्ट हुआ फिर से, तो ये इन्वर्जन लगा है, पहले वर्ब है उसके अंदर सब्जेक्ट है, तो पहले से ही रिपोर्ट्स ऑफ इरेटिक सप्लाई, इरेटिक का मतलब होता है इररेगुलर मतलब अनियमित, तो अनियमित सप्लाई है ऑफ फूड एंड एसेंशियल्स, किसकी, भोजन की और एसेंशियल्स की, एसेंशियल्स मतलब आवश्यक सामान, कॉजिंग पैनिक एंड कन्फ्यूजन इन गोवा, तो ये कह रहा है पहले से ही इरेटिक सप्लाईज हैं फूड और एसेंशियल्स की, कॉजिंग पैनिक एंड कन्फ्यूजन, उससे क्या हो रहा है, ये कॉज कर रहा है पैनिक मतलब डर का माहौल व्याप्त कर रहा है, एंड कन्फ्यूजन भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है गोवा में, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, तो गोवा में तो पहले से ही स्थिति बन चुकी है। इट इज़ इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब कंपलसरी है, अत्यावश्यक है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो ये महत्वपूर्ण है ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट प्रोटोकॉल्स, किसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, क्या करने के लिए, टू फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट मतलब बनाना, तो ये प्रोटोकॉल्स बनाए गवर्नमेंट टू इनेबल फैक्ट्रीज टू स्टार्ट प्रोडक्शन एज सून एज पॉसिबल, कि फैक्ट्रीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करें जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी, एंड फॉर एंश्योरिंग द इन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, और ये इसके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि वो एंश्योर करें, सुनिश्चित करें जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है, मतलब बिना रुके सप्लाई हो सके एसेंशियल गुड्स की, ये भी सुनिश्चित करें, ये ज़रूरी हो गया है गवर्नमेंट के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल द इंडियन एक्सप्रेस का, मिलते हैं नए आर्टिकल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।